देखते हैं। देखिए, मानव श्रृंखला बनाया गया है और जो मुद्दा दिया गया है जल जीवन हरियाली, और फिर दहेज है, शराबबंदी है और सब कुरीतियों के खिलाफ जन जागरण की बात की है, तो ये मकसद ठीक है। मकसद के आलोक में इस प्रकार की कार्रवाई होना अच्छी बात है, लेकिन आज सरकारी तंत्र का जिस प्रकार से दुरुपयोग कर कर के नन्हे नन्हे बच्चों को सड़क पर ठंडी में उतारना, हम समझते हैं ये अमानवीय था। हाँ, वयस्क लोग थे और सरकारी पदाधिकारी थे, कर्मचारी थे और सब संगठन के लोग थे, वो लोग सड़क पर आ जाते तो अच्छा होता, लेकिन बच्चों को, स्कूली बच्चों को, 5 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष के बच्चों को सड़क पर उतारना उचित नहीं है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि मानव श्रृंखला बना कर के ही हम किसी भी बात को आगे बढ़ा सकते हैं, यानी उसके लिए लोगों को उत्प्रेरित कर सकते हैं। इसके लिए नियत के साथ साथ कार्यक्रम की भी आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, आज हम सब दिन से मानते हैं कि शराब पीना गलत है, शराब का सेवन उचित नहीं है, शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन शराबबंदी आज है क्या, इस पर खुद सोचना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। आज जब पुलिस महकमा से शराब मिल रही है, डॉक्टर के यहाँ मिल रही है, और हम तो बराया करते हैं कि ये बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, जिसमें मंत्री हों, विधायक हों, पदाधिकारी IAS IPS हों, जजेज हों, सबके यहाँ अगर इसकी सर्च किया जाएगा तो 50% लोग जरूर दारू सेवन किए हुए मिलेंगे, लेकिन कार्रवाई किस पर हो रही है? गरीब लोगों पर हो रही है। आज 2 लाख से ऊपर लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है। उसी प्रकार से ये जल जीवन हरियाली में 2400 करोड़ रुपया सुनते हैं खर्च होने वाला है, और इसके नाम पर क्या हो रहा है आज गांव घर में, हम देख रहे हैं कि तालाब है या पैन है या सड़क है, जहां पर सैकड़ों बरस से लोग रह रहे हैं, घर बना हुआ है, स्कूल बना हुआ है, शौचालय बना हुआ है, और उसको तोड़ा जा रहा है। आखिर वे लोग इतना दिन से रह रहे थे तो कहाँ रहेंगे? तो हमारा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के आप इस तरह की कार्रवाई न करें, लेकिन ये ऐसा हो रहा है, तो इस तरह से जागरूकता फैला करके अगर काम वही करेंगे तो इससे तो गरीबों को घाटा है। इस नाम पर हम कर सकते हैं कि नियत अगर ठीक रहे, कार्यान्वयन अगर ठीक रहे, तो एक कदम उठाया जाना ठीक है कि जल जीवन हरियाली को रखने के लिए, चालू करने के लिए जागरूक आदमी को करना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होगा हमको विश्वास है, क्योंकि शराबबंदी में हम दे चुके हैं। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि इस तरह की बात किए हैं ठीक है, अपना नाम रोशन करने के लिए जो आप किए हैं, कोई भी आदमी करता है, इसको हम कंडेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सत्य की बात है कि इसको धरातल पर उतारने का प्रयास हो ईमानदारी से। जैसे नल जल योजना आपने चलाया, तो योजना खराब थी क्या? लेकिन आज नल जल योजना 90% फ्लॉप है आपका। उसी प्रकार से शराबबंदी है, आज 100% आज गड़बड़ी है उसमें। उसी प्रकार से ये योजना जो आप चला रहे हैं, आप 2400 करोड़ रुपया खर्च करने जाने हैं, और भी ज़रूरत होगी तो पैसा आप खर्च करेंगे, लेकिन समझ करके, गरीबों को ध्यान में रख करके अगर करेंगे तब हम समझते हैं कि उचित होगा। देखिए, पटना में तो हम लोग देख रहे हैं कि पटना में लोग उतरे हैं, और पटना से बाहर कितने लोग उतरे हैं ये तो अब 12 या 15 हेलीकॉप्टर से सब जगह ले रहे हैं, नक्शा बना रहे हैं। तो हम समझते हैं कि सफल होने का मतलब भले हो कि आज कह रहे हैं कि 4 करोड़ आदमी लोग भाग लिया, वो कम से कम 196 देश के जो जनसंख्या है 4 करोड़ से कम है, तो इस प्रकार से लोग सड़क पर उतरे हैं और इस तरह से ही देश के में या नहीं विश्व में अपना नाम जुड़वाने का ही काम करेंगे। हम समझते हैं कि इसमें सफलता इनको मिली है न मिली है वो एग्जामिन करने की बात है। हम सिर्फ और सिर्फ कहते हैं कि इनका प्लानिंग ठीक है, लेकिन इस तरह से जागरूकता फैला करके और फंड का दुरुपयोग करके और गरीबों को सता करके आगे बढ़ने का जो काम है, हम समझते हैं इसमें सुधार लाने के लिए।